आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे होली जो 1 तारीख और 2 तारीख को मनाई जा रही है मार्च में 2018, उसका सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक महत्व क्या है। देखिए होली, पहले हम सांस्कृतिक महत्व बता देते हैं। होली के महोत्सव मनाने के पीछे लोगों की एक मजबूत सांस्कृतिक धारणा है। इस त्यौहार का जश्न मनाने के पीछे विविध गाथाएं, लोगों का बुराई पर सच्चाई की शक्ति के जीत पर पूर्ण विश्वास है। लोगों को विश्वास है कि परमात्मा हमेशा अपने प्रियजनों और सच्चे भक्तों को अपने हाथों में रखते हैं, अपने बड़े हाथों में रखते हैं। वे उन्हें बुरी शक्तियों से कभी भी हानि नहीं पहुंचने देते। यहां तक कि लोगों को अपने सभी पापों और समस्याओं को जलाने के लिए होलिका दहन के दौरान होलिका की पूजा करते हैं और बदले में बहुत खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। होली महोत्सव मनाने के पीछे एक और सांस्कृतिक धारणा है। जब लोग अपने घर के लिए खेतों में नई फसल लाते हैं तो अपनी खुशी और आनंद को व्यक्त करने के लिए होली का त्यौहार मनाते हैं। फिर है सामाजिक महत्व। होली के त्यौहार के अपने आप में सामाजिक महत्व है। यह समाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खुशी लाता है। यह सभी समस्याओं को दूर करके लोगों को बहुत करीब लाता है, उनके बंधन को मजबूती प्रदान करता है। यह त्यौहार दुश्मनों को आजीवन दोस्त के रूप में बदलता है और साथ ही उम्र, जाति और धर्म के सभी भेदभावों को हटा देता है। एक दूसरे के लिए अपने प्यार और स्नेह दिखाने के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए उपहार, मिठाई और बधाई कार्ड देते हैं। यह त्यौहार संबंधों को पुनः जीवित करने और मजबूती के टॉनिक के रूप में कार्य करता है, जो एक दूसरे को महान भावनात्मक बंधन में बांधता है। फिर है जैविक महत्व। होली का त्यौहार अपने आप में स्वप्रमाणित जैविक महत्व रखता है। यह हमारे शरीर और मन पर बहुत लाभकारी प्रभाव डालता है। यह बहुत आनंद और मस्ती लाता है। होली उत्सव का समय वैज्ञानिक रूप से सही होने का अनुमान है। यह गर्मी के मौसम की शुरुआत और सर्दियों के मौसम के अंत में मनाया जाता है, जब लोग स्वाभाविक रूप से आलसी और थका हुआ महसूस करते हैं। तो इस समय होली शरीर की स्थिरता को प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत सी गतिविधियां और खुशी लाता है। यह रंग खेलने, स्वादिष्ट व्यंजन खाने और परिवार के बड़ों से आशीर्वाद लेने से शरीर को बेहतर महसूस कराती है। होली के त्यौहार पर होलिका दहन की परंपरा है। वैज्ञानिक रूप से यह वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाती है, क्योंकि सर्दियों और बसंत का मौसम के बैक्टीरियाओं के विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। पूरे देश में समाज के विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन की प्रक्रिया से वातावरण का तापमान 145 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जो बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक कीटों को मारता है। उसी समय लोग होलिका के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, जो परिक्रमा के रूप में जाना जाता है, जिससे उनके शरीर के बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। पूरी तरह से होलिका के जल जाने के बाद लोग चंदन और नए आम के पत्ते को उसकी राख के साथ मिश्रण कर अपने माथे पर लगाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस पर्व पर रंग से खेलने के भी स्वयं के लाभ और महत्व है। यह शरीर और मन की स्वास्थ्यता को बढ़ाता है। घर के वातावरण में कुछ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के साथ ही मकड़ियों, मच्छरों या दूसरे कीड़ों को छुटकारा पाने के लिए घरों को साफ और स्वच्छ बनाने की एक परंपरा है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।